और जी कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। तो गाइस हम लोग आए हुए हैं बनारस, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाली हूँ मशहूर बनारस का चने वाला। गाइस अगर यहाँ बनारस आओ ना तो ये चना ज़रूर खा के जाना। अभी चना वाला कहाँ पे है उसके लिए सरप्राइज़ है, पहले लोकेशन देखो। ये जो देख रहे हो ना चौराहा, जब हम गंगा घाट के लिए जाते हैं, मंदिर के लिए जाते हैं, तो वहाँ से ऐसे ही मेरे ख्याल से 30-40 कदम या 20 कदम ही आगे होगा ये कन्हैया स्वर्ग कला केंद्र। यहाँ नहीं है गाइस, सरप्राइज़ है। वो चना वाला कहाँ है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, चलो देखते हैं, उस चने वाले के पास चलते हैं। और वो चना वाला है, ये देखो ये इनकी ठेली है छोटी सी। लेकिन गाइस छोटी सी ठेली मत मानना, यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है और इनकी दुकानदारी बहुत होती है, तो कभी छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप का है यहाँ पे, तो इसलिए गाइस इनके यहाँ भीड़ लगकर मतलब लोग लाइन में लगकर यहाँ से इनके लिए ख़रीदते हैं। और वॉइस तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने वॉइस बंद कर दिया। लेकिन मैंने इन भैया से पूछा कि भैया कैसा लगा आपको, तो इन्होंने बताया बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी। और गाइस पता है इनका जो ये चना है ना, लोग लाइन लगा के लेते हैं और मात्र कितने रुपए प्लेट देते हैं, मात्र 15 रुपये प्लेट आपको यहाँ से चना मिलने वाला है। इनके जो चना का है ना, उसमें चना है और आलू है, यहाँ पे उन्होंने जो भी अपना सामान रखा हुआ है। मुझे भी अच्छा लगा लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पाइसी लगा। गाइस भीड़ तो इनके यहाँ पर इतनी थी ना, लोगों को मतलब हटाना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है इनके यहाँ पर। टेस्टी है, मुझे अच्छा लगा। अगर आप आओ तो यहाँ पे आना ज़रूर और खा के जाना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे ठीक ठीक लगा, लेकिन इतना मतलब ठीक है, अच्छा है, थोड़ा सा स्पाइसी लगा, या शायद मैं स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाती हूँ इसलिए मुझे लगा हो स्पाइसी, लेकिन टेस्टी है। 15 रुपये में आपको बहुत सारा दे देते हैं, ये आपका पेट भर जाएगा, इतना आपको मिलने वाला है। तो गाइस देखो यहाँ पे जीजा जी ले रहे हैं यहाँ पे 3 प्लेट, एक मेरे लिए, एक दीदी के लिए और एक खुद के लिए। सूर्य तो बेचारा ऐसे ही खा लेगा हमारे साथ ही, वैसे खा नहीं पाया था, बहुत स्पाइसी है वो। ये रहे हमारे जीजा, तो इन्होंने ले लिया है 3 प्लेट। अब हम जाएंगे अपने होटल में और वहाँ पे बैठकर आराम से खाएंगे, क्योंकि हम पूरे दिन घूमकर इतने ज़्यादा थक गए थे ना, तो खड़े होकर खाने की हिम्मत नहीं थी। पूरा दिन हमने बस ऐसे ही डोल मारते गए डोलते रहे बस। और बहुत सारी शॉपिंग भी करी हम लोगों ने, वो दीदी खड़ी हैं। तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, ये लोग आ रहे हैं रोड क्रॉस करके, अब हम जाके होटल में आराम से बैठकर खाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहे, आप लोगों के साथ मैं अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।